नमस्कार मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में मोरबी जी हाँ मोरबी पुल पर जो हादसा हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला था वो वीडियो तीस सेकंड का पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला था रू कपा देने वाला था क्योंकि किसी ने शायद ही उम्मीद की थी कि इस तरीके से वो इस दुनिया को अलविदा कहेगा लेकिन कहीं ना कहीं अब इसमें सियासी तालमेल देखा जा रहा है कि शायद सारी सोची समझी साजिश थी क्योंकि गुजरात चुनाव आने वाले हैं और सरकार पर निशाना साधना तो बनता ही है लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोगों को यह समझ नहीं आता कि आपकी सियासत की वजह से किसी का बसा बसाया परिवार खत्म हो सकता है और वहीं पर यह तस्वीरें सब कुछ बयां करती नजर आ रही है लेकिन इस बीच में आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि 2 नवंबर जी हाँ कि कल राज के शोक रखा जाएगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गवाई है मैं कुछ तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी लगातार स्क्रीन पर चल रही है उसमें आप देख सकते कि महज एक साल के बच्चे का जूता पड़ा हुआ है उसने उम्र ही कितनी देखी उसने जिंदगी ही कितनी देखी और जिंदगी को अलविदा कहकर चला गया अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो बहुत सारे उदाहरण है इस मोरबी पुल हादसे को लेकर लेकिन यहाँ पर और भी बड़ी लगातार सामने आ रही है मैं बता कि सोमवार शाम गांधीनगर में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई थी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए हैं और गुजरात में दो नवंबर को राजकीय शोक रखा जाएगा क्योंकि गुजरात चुनाव की तारीख अभी तक पक्की नहीं हुई है और इसी वजह से सरकार को नीचा दिखा के लिए इस तरीके के कदम यहाँ पर उठाए गए हैं जिस तरीके से अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं और उड़ती उड़ती खबर भी सामने आ रही है आगे मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल राज्य के गृह मंत्री हर्षिव साघवी और चीफ सेक्रेटरी और भी तमाम बड़े नेता लगातार यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग में मौजूद नजर आए थे अब तक यहाँ पर डेढ़ लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है कहा जा रहा है कि चालीस से ज्यादा यहाँ पर छोटे बच्चों ने अपनी जान गवाई है भाई पर महिलाएं भी बहुत ज्यादा है और पुरुष भी बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर एक सांसद की बात की जाए तो राजकोट के वो सांसद हैं पर उनका पूरा परिवार समझ जब जनता को ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी सरकार हमारे लिए सही है और कौन सी नहीं एक और आखिरी में आपको जानकारी देती चलू कुछ बड़े अपडेट सामने आए जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस ने मामले में और कंपनी के मैनेजर और भी बहुत सारे लोगों को करीब नौ लोगों को गिरफ्तार किया है पचास लोगों की टीम बना दी गई है ताकि जांच पड़ताल करें और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द ये मोरबी पुल हादसा क्या ये सियासी तालमेल था या फिर ये नेचुरल आपदा थी इसका खुलासा कब तक होता है ये देखना पड़ेगा और सरकार उन लोगों के लिए क्या बड़े फैसले लेती नजर आती है क्या मुआयना देती है आपका क्या कहना है अब यहाँ पर मोरबी हादसे को लेकर के आपको भी लगता है सवाल मेरा यह है कि क्या आपको भी लगता है कि सारी सोची समझी साजिश थी अब किराया जरूर दीजिएगा बाकी इसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट नाइन